डियर स्टूडेंट, आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसमें से सेलेवरी ग्लैंड को अपन ने पढ़ लिया है पीछे वाली क्लास में। आज जो पढ़ेंगे हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है लार्जेस्ट ग्लैंड। और इसका क्या है? मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है शरीर में, जितने भी मेटाबॉलिक में ये मेन रोल अदा करता है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आप जो जैसे समोसे खाए या तली हुई चीज खाई, तो उसके उसका जो ये फैट है और उसके डाइजेशन के लिए मेन रोल लीवर काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं उनको घर पे अपन घी या तली हुई चीज कम देते हैं, क्योंकि इनका लीवर कमजोर हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन एंटीरियर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमन। एब्डोमन का जो राइट पोर्शन है, एब्डोमन पोर्शन का बिल्कुल राइट पार्ट की तरफ ये होता है एंटीरियर साइड। एक होता है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की साइड, ये एंटीरियर की तरफ होता है और राइट साइड होता है। इसमें क्या है? गॉल ब्लैडर होता है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थीलीनुमा स्ट्रक्चर, जिसका काम क्या है? स्टोर बाइल जूस, बाइल जूस को ये स्टोर करता है। अब देखो, आपको मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था, तो ये हो गया था इसका फूड पाइप, फिर स्टमक आ गया था, फिर यहाँ पे मैंने लीवर बनाया था, और उसके बाद यहाँ पे मैंने पेंक्रियाज बनाया था। ठीक है, फिर ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसा बनाया था। तो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज की ये जो डक्ट है, यहाँ से जो सीक्रेशन लेके आती है, इसको कहेंगे पेंक्रियाटिक डक्ट। और बाइल जूस है जो लेके आती है, उसको बाइल डक्ट कहते हैं। तो ये दोनों आपस में ओपन होती है, तो पेंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट आर कॉमनली नोन एज कॉमन बाइल डक्ट, या कॉमन सिस्टेटिक डक्ट भी कह सकते हैं, कॉमन सिस्टिक डक्ट, दो नाम है। ये क्या करती है? ये कहाँ ओपन होती है? सीधे जो लार्ज, ये जो इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम है, ड्यूडेनियम, वहाँ पे इसका मेन रोल है। ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट यानी लीवर और पेंक्रियास की, ये वहाँ ओपन होती है, इंटेस्टाइन में ओपन होती है। अब देखो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल क्या होता है? सेल बॉडी की सेल है, उसी तरह से इसके लिए लीवर का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लोब्यूल्स, यानी इसको लोब्यूल कहेंगे। इसके अंदर कूफर सेल्स मिलती है, एग्जाम में पूछा हुआ है, कूफर सेल्स मिलती है, कहाँ मिलती है? लीवर में मिलती है। तो कूफर सेल्स प्रेजेंट इन लीवर विच हेल्प इन रिमूव ऑफ डेड आरबीसी, जो मर्द आरबीसी, जो आरबीसी मर जाती है उनको रिमूव करने के लिए कूफर सेल्स होती है, और बहुत सारे जम्स को मारने में भी हेल्प करती है। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, कूफर सेल्स कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? लीवर में। फिर बाइल जो जूस है, ओपन थ्रू अ कॉमन सिस्टिक डक्ट इन ड्यूडेनियम, ये मैंने अभी बता दिया। ये देखो, मैंने हल्का सा डायग्राम बनाया लीवर का, जिसमें ये लेफ्ट लॉब है, ये कॉडेट लॉब है, यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है, थेलेनुमा स्ट्रक्चर है, सेकलाइक स्ट्रक्चर, ये राइट सेंट्रल लॉब है, और ये स्पिंग, ये क्या है? स्पेंगियन लॉब, ये इसके पार्ट्स के नाम है, आपको तो इसमें मेन ये याद रखना है। अब देखो बाइल जूस होता कैसा है? फेंट लाइट फेंट येलोइश, यानी हल्का पीला लिक्विड होता है, और इसकी पीएच क्या होती है? बेसिक इन नेचर, यानी ये एल्कलाइन इन नेचर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं मिलता, ये इंपॉर्टेंट बात है, नो एनी एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल जूस, कोई भी एंजाइम नहीं मिलेगा बाइल जूस में। अब बाइल जूस कंटेन क्या क्या मटेरियल, उसके अंदर वाटर भी मिलेगा, बिली रूडिन और बिली वर्डिन, ये जो होता है कभी जैसे कोई आदमी बीमार हो गया तो उसका जो फीकल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ये प्रोडक्ट देखते हैं, ये जहरीले पदार्थ होते हैं जिनको रिमूव करने के लिए, ब्लू रूबिन और बिली वर्डिन और बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल, ये सारे मिलेंगे बाइल जूस में। फिर बाइल जूस का मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इससे आगे वाला जो पढ़ेंगे वो पेंक्रियास को पढ़ेंगे।